यानी इतना आपको डिले मिल सकता है, इतना काउंट आपको मिल सकता है। डिले की बात कैसे पता चलेगा, हाउ यू अंडरस्टैंड कि कितना डिले मिल रहा है, वो डिपेंड करता है आपका क्लॉक पल्स पे। सो अगर आपके पास 12 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक आप देते हो, आफ्टर गिविंग दैट 12 मेगाहर्ट्ज आप डिवाइड करते हो उसको 12 से, सो हाउ मेनी क्लॉक यू आर गिविंग, अगर ये टाइमर होगा तो कितने क्लॉक पल्स पे अगर आपका अगला काउंट होगा, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी दैट यू आर प्रोवाइडिंग इन योर टाइमर। 1 मेगाहर्ट्ज। इट इज 1 मेगाहर्ट्ज। इफ यू ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू टाइम, हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रीक्वेंसी इनटू अ टाइम, 1 बाय f। सो टाइम इज इक्वल टू 1 बाय f। सो 1 मेगाहर्ट्ज को अगर आप टाइम में कन्वर्ट करोगे, व्हाट इज द टाइम दैट यू गेट, हाउ मच इज इट? 1 मेगाहर्ट्ज, मेगा इज 10^6, तो क्या बन जाएगा, माइक्रो, आई थिंक इट विल बिकम माइक्रो, राइट? मेगा विल बिकम माइक्रो, यस। या सो इट विल बिकम 1 माइक्रो सेकेंड। ओके, सो 1 माइक्रो सेकेंड का आपका एक माइक्रो क्लॉक, सेकेंड 1 माइक्रो सेकेंड का आपका एक क्लॉक पल्स होगा। ओके, वो क्लॉक पल्स यानी एक पल्स को जाने में 1 माइक्रो सेकेंड लगेगा, फिर अगला पल्स आने में फिर 1 माइक्रो सेकेंड लगेगा, फिर अगला पल्स आने में फिर 1 माइक्रो सेकेंड लगेगा, और हर पल्स आने पे क्या करेगा, व्हाट विल हैपन ऑन एवरी रिसीविंग ऑन एवरी क्लॉक पल्स, व्हाट विल हैपन, जस्ट लुक एट द डायग्राम, ऑन रिसीविंग एवरी क्लॉक पल्स व्हाट इज हैपनिंग, +1 bit, +1 विल गो टू TLX, विल बिकम इंक्रीमेंट बाय 1, TLX ओवरफ्लो होने के बाद वो THX को इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1, THX ऑन इंक्रीमेंटिंग विल मेक TFX एज 1, सो एवरी ऑन एवरी क्लॉक पल्स यू आर एडिंग 1 टू योर टाइमर, टाइमर के अंदर आप 1 ऐड करते हो। ओके, सो व्हाट इज द मैक्सिमम डिले, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम डिले दैट यू गेट इन टाइमर मोड 0? एक क्लॉक पल्स को आने के लिए 1 माइक्रोसेकंड लग रहा है, टोटल काउंट कितना कर पाओगे, 8192 काउंट कर पाते हो, हर एक काउंट करने के लिए आपको कितना सेकंड लगेगा, 1 माइक्रोसेकंड, सो टोटल टाइम टेकन विल बी, टोटल डिले विल बी इक्वल टू 8192 माइक्रोसेकंड। सो यानी इतना आप डिले दे सकते हो, अगर आप इस क्लॉक को और थोड़ा खींच सकते हो, यानी 1 माइक्रोसेकंड की जगह अगर आप 1 सेकंड के बाद अगर आप डिले दे पाओगे तो आप 8192 सेकंड आप डिले दे सकते हो, अगर ये क्लॉक जो है instead of every second it is generating, if you are able to generate it after every minute, then आपको डिले जो मिलेगा वो 8192 मिनट्स का डिले मिलेगा, अगर आप क्लॉक पल्स जो है वो एवरी आवर यू आर जनरेटिंग, इन दैट केस यूर यू विल बी गेटिंग अ डिले ऑफ 8192 आवर्स, बट एज पर द करेंट क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी दैट वी यूज, उस क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी में 12 मेगाहर्ट्ज का आप जनरली यूज करते हो, यू डिवाइडेड बाय 12 एंड यू गेट अ 1 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, सो एज पर द क्लॉक फ्रीक्वेंसी दैट इज देयर इन योर टाइमर मोड 0, दैट इज देयर इन योर 8051, उसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट यू गेट अ डिले ऑफ 8192 माइक्रोसेकेंड, दैट इज अ मैक्स डिले दैट यू गेट, आई होप इट इज क्लियर, इज इट क्लियर? Yes. Yeah. Yes. So we'll be looking into the numerical perspective. There are various numerical. Numerical क्या हो सकता है कि अगर आपका 20 megahertz का frequency है तो आपको इतना clock achieve करने के लिए, यानी इतना delay achieve करने के लिए आपको timer में क्या import करना पड़ेगा, timer में क्या count डालना पड़ेगा. So ये एक numerical है. दूसरा numerical ये है कि अगर इतना आपको delay achieve करना है, if you want to achieve that much delay, okay? टाइमर में ये वैल्यू है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर क्लॉक दैट यू विल बी प्रोवाइडिंग, ओके, सो ऐसा कुछ है. फिर आपको ये बोला जाएगा कि आपको एक रेक्टेंगुलर वेव जनरेट करना है फॉर दैट मनी अमाउंट ऑफ टाइम, सो ट्राई टू राइट डाउन अ प्रोग्राम फॉर दैट, सो वो उसके लिए भी आपको पहले टाइमर कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो एवरी टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द टाइमर के अंदर क्या काउंट डालना है, सो वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वो डिपेंड करता है क्लॉक पल्स के ऊपर, ओके, सो ये सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करके आप बेसिकली TL और TH के अंदर क्या वैल्यू डालना है वो आप पहले कैलकुलेट करते हो, आफ्टर पुटिंग दैट, आफ्टर गेटिंग दैट वैल्यू यू लोड इट, यू स्टार्ट द टाइमर एंड यू कैन get the overflow flag once the timer overflows, okay, so that is the thing is इसके ऊपर numerical बहुत सारे और हर बार एक paper में numerical आता है, अगर numerical नहीं आया तो program आता है, program के अंदर basically indirectly आपको numerical करना ही पड़ता है, okay, so yeah it is there in every paper, so we'll be looking in the numerical, but once we complete the timer, once we complete the serial communication, once we complete with the interrupt, okay, we'll do all the numerical in a single go, okay, that is
what I feel like ek sath karenge to zyada better hoga because every other are dependent on each other. So serial communication bina timer ka nahi kar sakte, interrupt bina timer ka nahi kar sakte. So every other topic are dependent on timer. So hum ek sath karenge to zyada better hoga. So I hope timer mode 0 clear ho gaya hoga aapko. Is it clear? Yes sir. Yeah. We'll quickly go to the timer mode 1. So the difference between mode 0 and mode 1 is there is only one difference. वहाँ पे 13 bit use होता था, यहाँ पे पूरा का पूरा 16 bit use होता है. Okay, so TLX is complete 8 bit, THX is complete 8 bit. So the total timer is a 16 bit timer. So thus, if you're starting with 16 zeros, which is 0000H, you can go up to what is the max count that you can achieve? It is FFFFH. Okay, so that is the max count that you can achieve. In decimal, if you want to convert into decimal, yani hexadecimal, se agar aap decimal mein convert karoge, the total count is 65,536. I hope you know how to convert a hexadecimal into decimal. Aapko ye pata hoga? FFFH ko decimal mein convert kaise karte hain? Padha hai na aapne ye sab? बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे करना है, हेक्साडेसिमल में डेसिमल में कैसे करना है. सो मेरे ख्याल से एलडी में आपने ये पढ़ा है. सो ट्राई टू कन्वर्ट इट ऑन योर ओन एंड यू विल बी गेटिंग अप विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू व्हिच इज 65536. ओके, आसान तरीका क्या है, एफएफएच को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो. बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इट विल बिकम 16 ones पे विद द इंडेक्स ऑफ 2:0 वो आप अप्लाई करके यू ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर एंड दैट नंबर विल बी इक्वल टू 65536. ओके, सो दैट इज टाइमर मोड 1. टाइमर मोड 1 में क्या है कि जो डिले मिलता है वो आपको मैक्सिमम मिलता है व्हिच इज 65536. आपको काउंट मिलते हैं, वो काउंट डिपेंड करता है कि क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है. क्लॉक पल्स की अगर फ्रीक्वेंसी 1 माइक्रोसेकंड है तो आपको 65536 माइक्रोसेकंड का डिले मिलेगा. वो क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी अगर 1 सेकंड है तो आपको 65536 सेकंड्स का डिले मिलेगा. वो क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी अगर मिनट है तो 65536 मिनट्स का मिलेगा आपको फ्रीक्वेंसी डिले मिलेगा. अगर वो आवर्स है तो इट विल बी 65536 आवर्स. So total जो काउंट मिलता है that is 65536 which is the max count. Okay, और ये काउंट बाकी सारे टाइमर में सबसे ज्यादा काउंट है. So out of all the timer, the maximum timer which has a maximum count और देखा जाए तो डायरेक्टली उसको आप डीले भी बोल सकते हो. सो ज्यादा डीले किसमें मिलेगा, which timer has the maximum delay, which provides the maximum delay? It is mode 1. It is timer mode 1. Why does that? Because it uses its complete 16 bit timer to store the timer, to store the count value. So pura ka pura utilize karta, that is why it achieves the max count. Okay, so iske liye sabse best timer koi hoga wo timer mode 1 hoga. Okay, and majority of the time you will be using timer mode 1. So aap generally aap timer mode 1 mein hi rakhte ho. Kabhi kabhar aapko exam mein sawal puch diya jata hai. You try to solve this problem using keeping your timer in mode 0 or keeping your timer in mode 2. ये ऐसा explicitly भी सवाल में पूछा जाता है आपको, बोला जाता है कि आपको timer को mode 1 में ही रखना है, mode 2 में ही रखना है, mode 3 में ही रखना है. तो उसके लिए आपको respective mode को select करना पड़ेगा. और mode को select करने के लिए कौन से register में change करना पड़ेगा? In order to select mode, which register you want to change it? It is T mode. So T mode के अंदर आपको जिस टाइमर की बात चल रही है, टाइमर 1 की या टाइमर 0 की, उसके अंदर आपको M0 और M1 के अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा. सो अगर आपको मोड 1 सेलेक्ट करना है सो M1 एंड M0 शुड बी 01, मोड 2 सेलेक्ट करना है तो इट इज 10, मोड 3 सेलेक्ट करना है तो इट शुड बी 11, मोड 0 सेलेक्ट करना है तो इट इज मोड 00. आई होप इट इज क्लियर. मोड 1 इज क्लियर टू यू? शुड वी मूव फॉरवर्ड, आगे चले? यस सर. या सो वी विल गो टू द मोड 2. Mode 2 जो टाइमर है, it is called as auto reload. Okay, so it has a specific functionality, एक specific task है इसके पास. इसका जो task है, that is auto reload. Auto reload का मतलब क्या है? मैं basically क्या करता हूँ? Just a second. इसके अंदर एक mistake है. I'll just quickly try to solve that mistake. So, अगर आप बुक में लिख रहे हो या बुक में बना रहे हो या अगर इस स्लाइड पर डिपेंड हो, ओके, सो जस्ट ट्राई टू इरेज दिस 5 एंड मेक इट एज 8. ओके, इट इज 8 बिट. आई हैव मेड अ मिस्टेक ओवर देयर. जो मुझे इमेज मिला था उसके अंदर 5 था, मैंने मिस्टेक नहीं किया था, बट वो इमेज के अंदर मिस्टेक है. इट इज रिटन 5 ओवर देयर. इट इज नॉट 5, इट इज इट यूजेस अ कंप्लीट 8 रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर. इज इट क्लियर? सो ये 8 बिट का रजिस्टर है. ओके, इफ द अदर वन इज नॉट क्लियर. Is it clear? Yes, sir. Yeah.
So THX और TLX दोनों 8 bit register as the name suggests auto reload. Auto reload का मतलब क्या है? Timer एक बार आपने load कर दिया, load करने के बाद वो overflow होगा. Overflow होने के बाद वो वहीं से start करेगा जो आपने timer को जहां पे आपने डाला था. For example, let's say मुझे 5 delay चाहिए. Okay, every time I want to perform an operation. After every 5 second, मुझको हर 5 second के बाद एक delay देना है. तो यानी clock pulse में 1 second का assume कर लेता हूँ, जो मेरा clock आ रहा है वो 1 second का है. Okay, that clock is coming after every second, and I'm storing the count into a register called as TL0. मैं TL के अंदर अपना 8 bit का data डाल देता हूँ. So what is the timer I can hold? 5 count का delay चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? FF के अंदर से 5 को delete करना पड़ेगा, right? Max count is FF. उसमें से 5 delete कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा? Plus one, do plus one also. What you'll be getting? FF minus 05 plus one. This is the formula, right? Max count minus desired count plus one. Can you tell me the count? FB. It is FB. Okay, so मैं यहाँ पे FB डाल देता हूँ, which is stored in TL0. Okay, TH में मैं कुछ नहीं करूँगा. TH में क्या करूँ? आप ही बताना बाद में. उसके बाद मैं इसको TFX से कनेक्ट कर देता हूँ. I directly connected to TFX. ओके, सो सबसे पहले क्या होगा? एक पल्स आएगा. आफ्टर अ सेकंड एक पल्स विल कम. दिस पल्स विल मेक व्हाट? इट विल डू व्हाट? क्या करेगा? इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट योर टीएल बाय 1. सो ये इंक्रीमेंट होने के बाद एफबी का क्या बन जाएगा? एफसी. इट विल बिकम एफसी. हैज इट ओवरफ्लोन? हैज इट ओवरफ्लो? नो. सो टीएफएक्स 0 था, वो 0 ही रहेगा. अगले बार 1 सेकंड के बाद फिर से क्या होगा? एक पल्स आएगा. वो क्या करेगा? FC को क्या कर देगा? इंक्रीमेंट करेगा. और FC क्या बन जाएगा? FD. फिर एक सेकंड के बाद एक और पल्स आएगा. वो क्या करेगा? FD को क्या बनाएगा? FE बना देगा. फिर एक पल्स आएगा, वो FE को क्या बना देगा? FF. Has it overflown yet? Overflow हुआ? No. No. अब क्या करेगा? एक और पल्स आएगा, वो FF को क्या कर देगा? ओवरफ्लो कर देगा. अब क्या होगा? अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो इट विल बिकम 00. इट विल बिकम 00. इट हैज दिस प्रोसेस ऑफ FF से 00 को क्या बोलते हैं? रोल ओवर या रोल बैक. क्या बोलते हैं इसको? रोल ओवर या रोल बैक. सो बिकॉज इट हैज बीन ओवरफ्लोन, बिकॉज इट हैज बीन रोल बैक या रोल ओवर, सो आप TFX के फ्लैग को क्या कर दोगे? 1 कर दोगे. सो यानी आपका टाइमर ओवरफ्लो हो गया है. ओके, सो टाइमर ओवरफ्लो हो गया, इसका मतलब FB क्या मतलब TLA, ये TL रजिस्टर है, तो TL रजिस्टर क्या हो चुका है? 00 हो गया. इज दिस पॉइंट क्लियर यहां तक? एंड हाउ मेनी डिले यू हैव गॉट? कितना डिले मिला? 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 4 सेकंड का, 5 सेकंड का. बिकॉज़ यू आर एबल टू काउंट 5 टाइम एंड एवरी टाइम यू आर काउंटिंग, वो काउंट करने के लिए आपको 1-1 सेकंड का क्लॉक आ रहा है, 1 सेकंड पे क्लॉक आ रहा है. आप 5 ही बार गिन रहे हो, तो टोटल कितनी बार गिन पा रहे हो? कितना टाइम में आप गिन पा रहे हो? 5 सेकंड, राइट? राइट? यस. यस. सो you are getting a delay of 5 second. आपने 5 second का delay किया. 5 second का delay करने के बाद आपको जो भी काम करना था, let's say आपको एक rocket launch करना था, okay? या आपको एक missile launch करना था enemy के territory पे, आपने launch कर दिया missile, okay? एक missile launch करने के बाद आप चुप बैठ जाओगे कि आपको फिर से launch करना पड़ेगा? Do you want to do it again? You want to relaunch it? या एक launch कर दिया, काम खत्म? You want to do it again, right? ये बार बार करना पड़ेगा. Yeah. So बार बार अगर ये 00 हो जाता, अगर TL 00 हो जाता, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? ये actually 00 ही हो गया. फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? 00 से FB तक count करना पड़ेगा, which will basically cause a lot of delay. So मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर फिर से ये FB का data जो है, वो वापस आना चाहिए. The same data which was stored earlier, ये data मेरे पास फिर से आना चाहिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को TH रजिस्टर यूज करना पड़ेगा. उस TH रजिस्टर में मैं ये FB को स्टोर कर दूंगा. इट विल बी एक्टिंग एज अ मेमोरी. ओके, तो जब जब ये 00 बनेगा, इट विल कॉज, इट विल टेक द वैल्यू फ्रॉम TL. TH विल टेक द वैल्यू, विल गिव द वैल्यू टू TL, और वो ऑटो रीलोड कर देगा. इट विल जस्ट रीलोड द वैल्यू व्हिच वाज स्टोर्ड प्रीवियसली इन इनटू TL. सो फिर से क्या होगा? फिर 5 सेकंड का डिले मिलेगा, फिर एक रॉकेट लॉन्च होगा, फिर वो 00 बन जाएगा. अगेन आफ्टर बिकमिंग 00, TH विल प्रोवाइड द वैल्यू अगेन, बिकॉज़ TH इज एक्टिंग एज अ मेमोरी. वो फिर से वो मेमोरी प्रोवाइड करेगा विद TL. TL के अंदर वो वापस FB लोड होगा, फिर 5 सेकंड का डिले होगा, फिर एक मिसाइल लॉन्च होगा,
फिर वापस एफ बी जो वैल्यू है वो टी एच से टी एल में जाएगा, टी एल विल परफॉर्म फाइव काउंट का डिले, आफ्टर गेटिंग अ फाइव काउंट का डिले अगेन अ मिसाइल विल लॉन्च, सो आफ्टर एवरी फाइव सेकेंड अ मिसाइल इज गेटिंग लॉन्च्ड, सो दिस फीचर इज कॉल्ड एज अ टाइमर मोड जीरो. इज इट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस. या सो बेसिकली आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट विथ ड्रॉइंग इट. ओके, सो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास दो रजिस्टर होते हैं, वी हैव गॉट टू रजिस्टर्स, वन इज कॉल्ड एज अ टीएल रजिस्टर, ओके टीएल जीरो बोलो या वन बोलो, सो रिप्रेजेंटेशन कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ एक्स, सो एक्स इज नथिंग बट इट इज जीरो और वन. जीरो किस में होगा, टाइमर मोड जीरो में या टाइमर जीरो में या टाइमर वन में? जीरो. टीएल जीरो किस में होगा, टाइमर जीरो या टाइमर वन में? टाइमर जीरो. ओके, अगर टीएल वन में अगर मैंने डाला काउंट तो इट इज वी आर बेसिकली वर्किंग विद टाइमर वन. ओके, सो मेरे पास एक टीएक्स टीएल रजिस्टर है, टीएलएक्स करके रजिस्टर है और एक टीएचएक्स करके रजिस्टर है, और दोनों कितने बिट के रजिस्टर है, 8 बिट के रजिस्टर है, बोथ आर 8 बिट रजिस्टर. ओके, बोथ आर 8 बिट रजिस्टर. ओके, द क्लॉक पल्स इज ओनली गिवन टू द टीएल रजिस्टर, द क्लॉक पल्स इज ओनली प्रोवाइडेड टू द टीएलएक्स रजिस्टर, और TL register जो होगा after overflowing it will inform the timer overflow flag. So timer overflow flag भी दो है हमारे पास, one is called as a TF0, other is called as a TF1. So that can also be represented in the form of TFX. So TFX का मतलब अगर आप TLX 0 की बात करें तो TF0 को वो overflow करेगा, अगर TL1 को अगर आप monitor करें तो TF1 will get overflow. So ये overflow कब होगा, जब आपका 8 बिट टाइमर ओवरफ्लो होगा या 16 बिट का टाइमर ओवरफ्लो होगा, व्हेन इट विल गेट ओवरफ्लो, 8 बिट का टाइमर ओवरफ्लो होगा, आफ्टर इट गेट्स ओवरफ्लो इट विल इन्फॉर्म जो वन यहाँ पे आएगा, जो ये 00 बन के जब ये वन इधर आएगा, इट विल आल्सो एनेबल द फीचर ऑफ रीलोडिंग टू THX, इट विल इन्फॉर्म THX कि व्हाटएवर कंटेंट यू हैव जो भी उसका वैल्यू रहेगा, वॉट एवर द वैल्यू विच is been stored in THX, that value will be stored into TLX and TLX will start the count from there, not from 00. Is it clear? Is it clear? So, अगर मेरे को पांच काउंट करना था, यानी पांच सेकंड का अगर मुझे डिले देना है, तो मैं क्या करूंगा, TLX के अंदर FB डाल दूंगा और THX के अंदर भी मैं FB डाल दूंगा, दोनों के अंदर मैं FB डाल दूंगा. ओके, ऑन एवरी क्लॉक पल्स, एंड आई एम अज्यूमिंग ये क्लॉक पल्स जो आ रहा है वो हर सेकंड पे आ रहा है, इट इज कमिंग ऑन एवरी सेकंड. ओके, ऑन एवरी क्लॉक पल्स what will happen, this FB will become FC, FC will become FD, FD will become FE, FE will become FF, FF will become 0, FF will become 0, ये करने के लिए कितना time लगेगा, FF will become 0, it will take 5 seconds, 5 second के बाद it will become, after 5 second it will become 00, okay, it will become 00H, on becoming 00, this process is called as rollover, it will make changes in two places, ये क्या करेगा, TFX को, TFX जो कि 00 था या 00 था, उसको ये चेंज करके 1 बना देगा, और साथ में ये इन्फॉर्म करेगा THX को कि व्हाटएवर कंटेंट दैट यू हैव प्लीज ट्राई टू रीलोड इट अगेन. सो यहाँ पे फिलहाल ये FB हट करके 00 बन गया था, लेकिन ये क्या करेगा, इस 00 को हटा के इट विल अगेन रीलोड FB इनटू इट. अब ये काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 00 से या FB से? Where will the next counting start? FB. It will start again from FB. Okay. So this feature is called as auto reload. You are reloading the same count again. After every time your count timer is getting overflow, आपको फिर से वहीं से start करते हो जहाँ से आपने पहले start किया था. Okay. So this feature is called as auto reload. Is it clear now? Is it clear? So what is the advantage that you get? इसमें advantage क्या मिलता है? रिपीटेशन मिलता है. दूसरा, आपको बार बार काउंटर कैलकुलेट करके बार बार वो स्टेप बार बार नहीं करना पड़ेगा. एक बार आपने डाल दिया, अगर आपको एक ऑपरेशन कई बार करना होगा, लूप में करना होगा, इटरेशन में करना होगा, तो यू कैन अचीव विद दिस पर्टिकुलर टाइमर. बराबर यस. बट द ड्रॉबैक दैट यू गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मोड, व्हाट इज द ड्रॉबैक दैट यू कैन गेट? डिस्काउंट.
आप लेस काउंट कर पाओगे क्योंकि आपका 8 बिट का ही टाइमर का रजिस्टर यूज हो रहा है, बराबर ना? सो मैक्स काउंट कितना अचीव कर पाओगे? व्हाट इज द मैक्स काउंट दैट यू कैन अचीव? 256. इट इज 256. बेसिकली FF यानी 256 काउंट ही आप अचीव कर पाओगे. सो दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइमर. लेकिन हाँ, अगर आपको कहीं पे हर 5 सेकंड पे कुछ करना है काम, ओके, सो अगर यही करना है आपको, तो उसके लिए आप ये टाइमर को यूज कर सकते हो. इट इज इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं कि इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है. It has an importance depending on the application that you have. Okay, so I'll quickly go back to that particular diagram. We'll just try to read out what is written in that particular slide. So this slide, main kya likha hai? TLX is used as a 8-bit counter. Okay, yahan pe barabar likha hai. Diagram mein 5 likha tha, yahan pe 8-bit hai. THX holds the count value to be reloaded. THX ke andar jo wo wahi value hogi jo ki aapko reload karna hai. Okay. आप वहां पे कुछ भी रैंडम वैल्यू नहीं डाल सकते. THX के अंदर व्हाटएवर द वैल्यू दैट यू वांट टू रीलोड दैट इज देयर. ओके, सो बेसिकली THX इज एक्टिंग एज अ, अगर कैलकुलेटर के अंदर अगर आपको पता होगा, कैलकुलेटर के अंदर देयर इज अ M एलिमेंट. M करके एक बटन होता है व्हिच इज लाइक अ मेमोरी बटन. अगर आप उसको प्रेस करते हो, हर टाइम आप मेमोरी को प्रेस करोगे तो वो वापस रीलोड करता है. सो योर THX इज एक्टिंग एज दैट. पता है ना आपको मेमोरी बटन? देयर इज, राइट? इन योर कैलकुलेटर देयर इज अ मेमोरी बटन. Yes. Yeah. So similarly, THX will be acting as a memory button. So whatever you want to reload, whatever will be there in THX, only that will be reloaded. ऐसा नहीं कि कुछ अलग से जादू से कोई अलग सा नंबर आ जाएगा. जो भी THX में है, वही नंबर ही TLX में reload होगा. Okay? On each count, TLX is getting incremented. When TLX rollover कब होगा? FF से 00, the following event take place. दो event होगा. एक तो पहले TFX जो होगा वो set होगा. Okay? TFX will become 1. Hence, timer interrupt उससे आकर होगा. और साथ में the value of THX is copied into TLX. Okay? जैसे ही वो 1 होगा, वो क्या करेगा? THX को बोलेगा, यार TLX has been rolled over. You copy the content of THX into TLX. So THX will copy the content into TLX. Hence, TLX is auto reloaded. Thus, the timer interrupt occur at regular interval. So timer जो interrupt होगा, वो regular interval पे होगा. Timer अगर इस केस में जो एग्जांपल हमने लिया था, वो टाइमर इंटरप्ट कब होगा? कितने सेकंड के बाद होगा? हर इंटरप्ट कितने देर के बाद होगा? आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स? आफ्टर एवरी सेकंड, एवरी 5 सेकंड देयर विल बी एन इंटरप्ट व्हिच हैज बीन कॉज्ड. ओके, हर 5 सेकंड के बाद आपका इंटरप्ट होगा. वो इंटरप्ट में हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने मिसाइल लॉन्च किया था. सो हर 5 सेकंड के बाद एक एक मिसाइल आपका लॉन्च होता रहेगा. ओके, so that is happening. Thus, this particular mode is used to generate a desired frequency using a timer flag. Max count that you can get is 2^8, which is equal to 256. Hence, the max delay is nothing but 256 delay that you can get. I hope it is clear now. Is it clear? What is 12 divided by F? 12 divided by S is basically you're dividing the frequency by 12, and then you're performing the operation of 1 by F. So basically, that is the time period. So time period, jo bhi aapka time hoga, that you are getting out of 12 divided by F. So 12 by F is nothing but is the time of the frequency that you are getting. Wo frequency agar 1 megahertz ka hai, so we'll be getting 1 microsecond ka frequency. Agar frequency jo hai wo kuch aur hai, to wo frequency ki value aap wahan pe put kar do, aapko automatically utna time ka delay mil jayega, multiply with 256 count. I hope it is timer mode 2 is clear. Is it clear? Does anybody has doubt in this? Yes, sir. Okay, we'll go to the last mode, which is timer mode 3. Timer mode 3 jo hai wo thoda sa interesting hai. I'll just go back to the explanation part. Okay, we'll go to the next part thoda aage. So timer mode 3 jo hai, mode 3 mein kya hota hai, there is a greed that come into picture. Okay, thodi lalach aa jati hai. Lalach kya aati hai ki hamare paas kitne timer hai, how many timers we have, can you tell me? We have 2 timers, okay. So, वो दो टाइमर कौन कौन से हैं? What are the 2 timers that we have? Timer? Timer 0. Okay. So, timer 0 के पास we have timer 0 and timer 1. So, let's take this 2 bit as timer 0 and this 2 bit as timer 1. Okay. So, दो टाइमर है हमारे पास, timer 0 और timer 1 है. So, अगर ये timer 1 है तो ये क्या होगा? TL 0 होगा या TL 1 होगा? What it will be? TL1, this is TH1, this is TL0, and this is TH0. Okay? Yahan tak clear hai?
Is this part clear? Yes. Yeah. उसके बाद दोनों टाइमर के लिए हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग है. What is the overflow flag for timer one? We have overflow flag called as TF1. For overflow of timer zero, we have a flag called as TF0. Okay, यहाँ तक क्लियर हो गया. ये सब हम रिपीट ही कर रहे हैं, कुछ नया अभी तक नहीं सीखा है. अब यहाँ से नया पार्ट स्टार्ट होता है. ओके, प्रॉब्लम क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास दो टाइमर है, हमें ऐसा लगता है यार कि हम दो टाइमर की जगह तीन टाइमर बनाने की कोशिश करते हैं. ओके, अगेन दिस इज ओनली अ कंसेप्चुअल, इट इज ऑल्सो अवेलेबल, ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है, बट इट इज वेरी 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 रेयरली यूज, बहुत कम ही यूज होता है. बट होता है, इसके लिए इसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा अगर एग्जाम में पूछ लिया तो. सो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि बेसिकली इट इज अ ग्रीडी अप्रोच. ये ग्रीडी अप्रोच है. व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ग्रीडी अप्रोच? आपके पास ऑलरेडी दो टाइमर है, लेकिन उससे भी आप खुश नहीं हो, आप संतुष्ट नहीं हो, आपको और टाइमर चाहिए, एक एक्स्ट्रा टाइमर चाहिए. तो उसके लिए आप ये अप्रोच यूज करते हो. तो ये क्या करता है, हमारे जो टाइमर जीरो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं. वी ट्राई टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट. एक जो है वो टाइमर जीरो जो है वो एक्ट करेगा एक टाइमर की तरह, और टाइमर TH0 जो है वो एक्ट करेगा दूसरे टाइमर की तरह, और साथ में हमारे पास एक सेपरेट टाइमर है ही है, विच इज टाइमर वन. तो हमारे पास कितने टाइमर हो गए? कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइमर दैट वी हैव? टाइमर जीरो जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ओके, एक जो है वो TL0 होगा, द लोअर टाइमर, और एक जो है वो हायर टाइमर होगा. और उसके अलावा हमारे पास क्या है, टाइमर वन है. तो हाउ मेनी टाइमर वी हैव? हाउ मेनी टाइमर वी हैव? नॉट फोर. टाइमर जीरो तो वर्क ही नहीं करेगा, वो दो पार्ट में वर्क करेगा, टाइमर TL0 एंड TH0, एंड देन वी हैव टाइमर वन. हाउ मेनी टाइमर वी हैव? थ्री टाइमर. इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ? Why this mode is used? This mode is used only to have an extra timer. We have two timer. If you want to have an extra timer, that timer can be achieved with the help of mode 3. This is the only reason why you're using mode 3. But the problem is, problem कहाँ पे आकर होगा? कोई problem हो सकता है? Can you tell me what is the problem? अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो कुछ problem आकर हो सकता है? There might be a problem. What is the problem? टाइमर वन के पास टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग वन था, यानी अगर टाइमर वन ओवरफ्लो होता तो टाइमर वन को बता, टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग वन को बता देता. टाइमर जीरो के पास टाइमर जीरो का ओवरफ्लो फ्लैग है, यानी अगर टाइमर जीरो अगर ओवरफ्लो होगा तो टाइमर ओवरफ्लो जीरो फ्लैग को वो बताएगा कि मैं ओवरफ्लो हुआ कि नहीं. अगर टाइमर जीरो दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो आपके पास तो एक ही फ्लैग है टाइमर जीरो के लिए, यानी रिसोर्स आपके पास एक ही है, बराबर. यानी अगर TH0 अगर ओवरफ्लो होगा तो वो किस फ्लैग को बताएगा, या TH0 अगर ओवरफ्लो होगा तो वो किसको बताएगा? समझ में आपको? समझ में आया? I'll repeat again. टाइमर वन ओवरफ्लो होने के बाद, यानी TH1 TL1 टाइमर वन, आई एम टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव, टाइमर वन ओवरफ्लो होने के बाद कौन सा फ्लैग मुझे बताता है कि टाइमर वन ओवरफ्लो हुआ है? Which flag? TF1. Yeah. How it tells you? TF1. By making the content of TF1 as 1. TF1 1 होते ही वो बता देगा टाइमर 1 जो है मेरा ओवरफ्लो हो चुका है. Similarly, टाइमर 0 को बताने के लिए टाइमर 0 ओवरफ्लो हुआ है कि नहीं, who informs that? Who tells you टाइमर 0 ओवरफ्लो हो चुका है? TF0. लेकिन अगर मैं टाइमर 0 को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, यानी TL0 करके एक टाइमर हो गया, TH0 करके टाइमर हो गया, तो TL0 अगर ओवरफ्लो हुआ, who will inform? TH0 अगर ओवरफ्लो, who will inform? दो अलग अलग टाइमर है, दो अलग अलग टाइमर है, तो दो अलग अलग मेरे पास फ्लैग भी होने चाहिए थे, बट फ्लैग कितने हैं मेरे पास? एक. एक ही फ्लैग है. समझ में आया? तो प्रॉब्लम हो गया. तो ये क्या करेगा, टाइमर जीरो क्या बोलेगा, TL0 क्या बोलेगा, मैं पहले आया था, मैं बड़े भाई होने के नाते मैं क्या करूंगा, ये टाइमर मेरे नाम पे कर दो. ओके, TL क्या करेगा, ये पूरा अपने नाम पे ले लेगा, वो बोलेगा टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग को मैं ही यूज करूंगा, तुम्हारा हक खत्म हो गया, तुम मेरा इस फ्लैग के अंदर आप यूज नहीं कर सकते, इस फ्लैग को मैं ही 1 या 0 करूंगा. सो TL0 के लिए TF0 विल बिकम अ डेडिकेटेड फ्लैग नाउ. इज इट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? यानी अगर टाइमर TL0 अगर ओवरफ्लो होता है, TL0 अगर 00 से FF बनता है, तो वो कौन सा फ्लैग आइडेंटिफाई कराएगा कि दैट TL0 हैज ओवरफ्लोन और नॉट ओवरफ्लोन? इट इज आइडेंटिफाइड बाय TF0. इज दिस पॉइंट क्लियर?
Is this point clear? Is this point clear? Yeah. So it will be informed by TF zero because उसने क्या किया, उसने बंटवारे में TF zero को अपने पास ले लिया और TF zero को छोड़ दिया. तो TF zero यार उदास हो गया यार कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब मैं क्या करूं. तो वो क्या करेगा, दूसरे का हड़प लेगा. वो क्या करेगा, टाइमर वन का फ्लैग हड़प लेगा. TF zero बोलेगा ठीक है तुम मत दे, मैं किसी और का कब्जा कर लेता हूँ. वो क्या कर लेगा, टाइमर वन का कब्जा कर लिया. ओके, सो TF zero ओवरफ्लो होने के बाद टाइमर फ्लैग वन को विल टेल यू वेदर TF zero हैज ओवरफ्लोन ऑर नॉट. इज इट क्लियर नाउ? Is this point clear? Yes, sir. So timer TH0 अगर overflow हुआ, यानी TH0 00 से FF जब बन जाएगा और FF से 00 होगा, यानी rollback होगा TH0, तो it will be informed by TF1. TF1 अगर 1 हो गया, it will inform कि TH0 जो है, that has overflowed. Timer 1 की बात नहीं करेगा TF1, because timer 1 से वो उसने छीन लिया. Is this point clear now? Yes. तो अभी नाइन साफी किसके साथ हो गई? टाइमर तो बना दिया दो, लेकिन और इज दिस अ गुड अप्रोच और अ बैड अप्रोच? व्हाट डू यू फील लाइक? बैड अप्रोच सर. इट इज अ बैड अप्रोच. आपके पास डेडिकेटेड 16 बिट के टाइमर थे दो, लेकिन आपने क्या किया, अपने ग्रीडीनेस के चक्कर में आपने क्या किया, दो 8 बिट का टाइमर बना दिया जो कि वही काम कर रहे हैं. इज इट गुड थिंग और बैड थिंग? गलत है ना ये. आपने मतलब 16 बिट का ऑलरेडी था टाइमर वन, 16 बिट का टाइमर जीरो था, दोनों के पास खुद का फ्लैग था, दोनों खुश खुश थे, बट आपने क्या किया, टाइमर जीरो के अंदर आपने बंटवारा कर दिया. बंटवारा करने के बाद दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई, एक भाई ने अपना पूरा हिस्सा ले लिया, दूसरे भाई ने किसी और का हक छीन लिया. सो बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास तीन टाइमर तो है, लेकिन एक टाइमर ओवरफ्लो होने के बाद वो ओवरफ्लो हो ही नहीं सकता, वो क्योंकि वो बताने के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास. तो वो टाइमर तो वेस्ट हो गया आपका, टाइमर वन. दो वो अवेलेबल है लेकिन उसका कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि वो ओवरफ्लो होगा तभी तो बताएगा कि मैंने टाइमर का काम क्या है, टू एक्ट एज अ टू प्रोवाइड अ डिले, राइट? द वर्क ऑफ अ टाइमर इज व्हाट, टू प्रोवाइड अ डिले. बट वो डिले प्रोवाइड कब करेगा, जब वो ओवरफ्लो होगा. ओवरफ्लो होने के लिए उसको फ्लैग होना चाहिए, उसके पास फ्लैग ही नहीं बचा, क्योंकि टाइमर जीरो ने दोनों जो भाई थे टाइमर जीरो के, उन्होंने छीन लिया, दोनों के पास अपना अपना फ्लैग हो गया. सो वी हैव मेड a stupid timer out of a great timer. So 16 bit ka timer hone ke bawajood humne kya kiya, ek 16 bit ko do 8 bit ke timer ko bana diya aur ek 16 bit timer jo tha hamare paas usko useless kar diya. So it was a bad approach. Lekin agar bad approach tha to banaye kyun humne, uska kuch to fayda hoga. So fayda ye tha ki serial communication, when we go to the serial communication, agar hum serial communication mein jate hain तो हमें क्या होता है कि डेटा को सेंड करना होता है. ओके, इफ यू वांट टू लेट से आपको कुछ मैसेज भेजना है, जैसे आपको हेलो भेजना है. ओके, यू वांट टू ट्रांसफर अ मैसेज व्हिच इज कॉल्ड एज हेलो. सो आप क्या करते हो, आप पहले ओ भेजते हो, फिर एल भेजते हो, फिर एल भेजते हो, फिर ई भेजते हो, फिर एच भेजते हो. बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज एवरी टाइम यू आर सेंडिंग द डेटा. ओके, हु इज सेंडिंग द डेटा, हु इज कीपिंग अ रिकॉर्ड कि आपका ओ गया, फिर एल गया, फिर एल गया, फिर ई गया, फिर एच गया. हु इज कीपिंग दैट रिकॉर्ड? टाइमर कैन कीप द रिकॉर्ड, राइट? काउंटर कैन कीप द रिकॉर्ड, राइट? कहना काउंटर कीप द रिकॉर्ड, काउंट करके वो रिकॉर्ड रख सकता है, पांच काउंट उसको भेजना है. या अगर आप मॉल में जाते हो, मॉल में कितने लोग आए, हु कीप्स दैट रिकॉर्ड? काउंटर कीप्स दैट रिकॉर्ड, राइट? कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, बराबर? सो बेसिकली व्हेन यू आर वर्किंग विद सीरियल कम्युनिकेशन, टाइमर वन, टाइमर मोड वन और टाइमर मोड जीरो में से एक टाइमर जो रहेगा, That has to be made as a counter. एक मोड को, एक टाइमर को आपको काउंटर बनाना ही पड़ेगा फॉर सेंडिंग द डेटा, फॉर कीपिंग द ट्रैक ऑफ हाउ मच डेटा हैज बीन सेंड. सो इन दैट केस वी मेक टाइमर वन एज अ काउंटर. टाइमर वन जो है उसको हम काउंटर की तरह बिहेव कराएंगे. अगर टाइमर वन काउंटर है तो आपके पास टाइमर कितना है, फिर एक ही बचा, बराबर ना? So, अगर एक ही टाइमर बचा है, उस टाइमर को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सो दैट कि वो दो टाइमर की तरह बिहेव करे, देन आपके पास दो टाइमर भी और एक काउंटर भी है, बराबर? सो इन दैट केस इन सीरियल कम्युनिकेशन यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर अप्रोच विच इज मोड थ्री. सो उसमें क्या करोगे, टाइमर जीरो को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, विच इज टी एच. सर आप रिपीट कर सकते हो? ओके, आई रिपीट इट अगेन.
What happens in serial communication, though it is a useless approach, अभी तक तो useless था, इसका एक application है, इसको एक खास मकसद से बनाया गया है. वो मकसद क्या है कि serial communication करके जब हम आगे एक topic पढ़ेंगे in serial communication, उस serial communication में क्या होता है कि हमें data जो है एक एक डेटा सेंड करना होता है. मुझे एच भेजना पड़ेगा, फिर ई भेजना पड़ेगा, फिर एल भेजना पड़ेगा, फिर एल भेजना पड़ेगा, फिर ओ भेजना पड़ेगा, और वहां पे स्टॉप हो जाना पड़ेगा. यानी मेरे को 5 डेटा मुझे भेजना है या 5 डेटा मुझे रिसीव करना होगा. सो बेसिकली मुझे काउंटर यूज करना पड़ेगा. मुझे काउंट करने के लिए कितना कैरेक्टर आया है, कितना कैरेक्टर मैंने सेंड किया है, इसके लिए मुझे काउंटर रखना पड़ेगा. जस्ट लाइक जैसे आप मॉल में जाते हो, मॉल में जाने के बाद एक एंट्रेंस पे एक मेटल डिटेक्टर होता है. उस मेटल डिटेक्टर पे आप जब भी पास करते हो एक बीप साउंड क्रिएट होता है, राइट? डू यू गाइस नो दैट? सबको पता है ना वो बीप साउंड क्यों होता है? आप जैसे ही पास होते हो आपका एक इंफ्रारेड एक रेज होती है, दैट रेज गेट कट ऑफ. कट ऑफ होने की वजह से क्या होता है, वो 1 का 0 बन जाता है, दैट 1 विल बिकम 0 ऑन गेटिंग दैट कट ऑफ. वो 0 बनते इंक्रीमेंट्स द काउंट बाय 1. सो ये काउंट इंक्रीमेंट करते करते आपको पता चल जाएगा कि एक दिन के अंदर आपके मॉल में कितने लोग आते हैं. सो बेसिकली ओवर देयर your timer or a counter will be acting as a counter only. Okay, I have said ki timer or counter ek hi hai, uska application is different. Agar wo count karega then it will be acting as a counter. Wo count kitne time mein karega then it will be acting as a timer. So timer ka kaam hai delay dena, counter ka kaam hai count karna. So in that case in serial communication mein maksad kya hai ki kitne der mein bhej raha hai ye important nahi, hame data bhejna hai. लेकिन ये डेटा कितना भेजना है, दैट इज आइडेंटिफाइड बाय काउंटर. आपको 5 भेजना है इन केस ऑफ हेलो, वेलकम के केस में आपको 7 भेजना है, दूसरे के केस में आपको 8 भेजना है. सो दैट काउंट यू शुड नो, यू हैव टू नो कि कितना डेटा आपको भेजना है. सो दैट रिकॉर्ड विल बी केप्ट इन आइदर टाइमर 1 या टाइमर 0 में, किसी एक में आपको रखना पड़ेगा. सो जब हम सीरियल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, हम डेडिकेटेडली टाइमर 1 के अंदर ये जो आपका काउंट है वो हम टाइमर 1 के अंदर डालते हैं. ओके, सो नाउ योर टाइमर 1 विल एक्ट एज अ टाइमर और अ काउंटर? व्हाट इट विल एक्ट एज? काउंटर. इट विल बी एक्टिंग एज अ काउंटर क्योंकि उसका काम क्या है, वो सिर्फ काम क्या कर रहा है, वो काउंट कर रहा है कि कितना कैरेक्टर सेंड किया या कितना कैरेक्टर मैंने रिसीव किया. अगर एच गया तो वो काउंट कर लेगा 1, एक और ई गया तो काउंट कर लेगा 2, एल गया तो काउंट कर लेगा 3, फिर ओ गया तो वो काउंट कर लेगा 4. सो बेसिकली काउंट्स बेसिकली हाउ मेनी कैरेक्टर आई हैव सेंड, आई हैव ट्रांसफर्ड. So that timer will act as a counter in that case. So timer 1 or timer 0 में से timer 1 को मैं counter बना दूंगा. उसका काम और काम सिर्फ और सिर्फ counter की तरह होगा. और ये counter कैसे बनाऊंगा? How will I make timer 1 as a counter? Which register makes helps in making deciding that it is acting as a counter or a timer? Gate तो आपका decide करता है कि वो hardware support है कि वो है. There is another bit. C slash T bar in which register? T mod के अंदर C slash T bar को अगर आपने 1 set कर दिया तो it will be acting as a counter. Okay, so अगर timer 1 के अंदर C slash T bar के अंदर अगर आपने 1 डाल दिया तो timer 1 जो है वो counter की तरह behave करेगा. तो अगर आपके पास दो timer है, अब आपके पास दो timer है, one is called as a timer 1 and other is called as a timer 0. सीरियल कम्युनिकेशन में आपने क्या किया, टाइमर 1 को आपने कैसा बिहेव करा दिया? हाउ योर टाइमर 1 इज एक्टिंग, काउंटर और टाइमर? हाउ इट इज बिहेविंग? काउंटर. इट इज एक्टिंग एज अ काउंटर. टाइमर 0 जो है वो काउंटर भी वर्क कर सकता है, वो टाइमर भी वर्क कर सकता है, वो जो भी मर्जी है वो कर सकता है. लेकिन अगर ये काउंटर वर्क कर रहा है तो आपका जो TF1 फ्लैग था वो अभी खाली बैठा है, उसके पास कुछ काम नहीं है क्योंकि वो एक्ट कर रहा है एज अ काउंटर. TF1 का काम कब आएगा? जब वो टाइमर की तरह काम होता, जब टाइमर ओवरफ्लो हो जाता तब TF1 का काम होता. अभी काउंटर के केस में वो रोल ही नहीं है उसका. काउंटर हमेशा स्टार्ट होता है 0-0 से ही, वो काउंट करता रहेगा, जो भी आपका मैक्स काउंट है उतना वो काउंट कर लेगा. लेकिन ओवरफ्लो कब काम में आता है? जब आपका काउंट आपने टाइमर अगर आपको सेट करना होगा उस केस में काम आता है. लेकिन TF1 जो है, बिकॉज इट इज टाइमर 1 जो है इट इज एक्टिंग एज अ काउंटर, TF इज सिटिंग आइडल. तो हम क्या करेंगे, टाइमर मोड को, टाइमर 0 को हम डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, एक को बड़े भाई में विच इज TL0 और एक को छोटे भाई में विच इज TA0. TA0 विल बी एक्टिंग एज अ 8 बिट टाइमर और इस 8 बिट टाइमर का टाइम होने के बाद इट विल ओवरफ्लो अ फ्लैग विच इज कॉल्ड एज TF0 को ओवरफ्लो कराएगा. और TL0 के पास
कोई ऑप्शन बचा नहीं तो क्या करेगा, वो देखेगा TF1 खाली बैठा है, तो इट विल इन्फॉर्म TF1 कि तू मेरे लिए काम कर, मैं जब भी ओवरफ्लो होगा तो तेरे कंटेंट को 0 से 1 कर दूंगा. सो एवरीबडी इज हैप्पी नाउ. टाइमर 1 के अंदर आप 2 टाइमर यूज कर सकते हो एज अ 8-bit टाइमर, एंड टाइमर 1 इट इज एक्टिंग एज अ काउंटर, सो इट डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. सो एवरीबडी इज इन अ विन विन सिचुएशन. इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? या बट एक प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम क्या आता है कि आपके पास पहले कितना टाइमर था, पहले कितना टाइमर था, हाउ मेनी टाइमर्स यू वर हैविंग बिफोर बिफोर मोड 2? 2 टाइमर था आपके पास, आपके पास 2 टाइमर था, वन वाज टाइमर 1 एंड टाइमर 0, बराबर. यू हैव गॉट 2 टाइमर. आफ्टर दिस इज लाइक ऑल अदर मोड यू हैव ऑल मोड्स यू हैव 2 टाइमर्स. इन मोड 3 आपके पास कितने टाइमर, हाउ मेनी टाइमर्स यू हैव इन मोड 3? How many timers do you have in mode 3? You still have two timer only. आपके पास अभी भी दो ही टाइमर है, एक तो काउंटर है आपका, बराबर ना? बराबर? Yes. Even in mode 3 also you have a 2 timer, but that 2 timer is a 8-bit timer. It is a 8-bit timer. Okay? Over here it is a 2 timer, both are 16-bit timer. Okay? But here the advantage that you get is you also have a 1 counter, and that counter is a 16-bit counter. Indeed. So the advantage that you get in mode 3 is that you have got a counter also, plus you have got a 2 timer to work upon. So two timer bhi hai, lekin limitation kya hai, wo dono ka timer jo hai 8 bit ka hai, whereas jo counter hai wo 16 bit ka counter hai. So you get the advantage of that. So अगर आपको ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे आपका काउंटर जो है वो आप यूटिलाइज कर दोगे, फिक्स आपको पता है कि आपका काउंटर यूटिलाइज होगा, सो इन दैट केस यू कैन मेक योर टाइमर इनटू मोड 3, और फिर मोड 3 में डालने से आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, आपको 2 टाइमर भी मिल जाएगा और साथ में आपको काउंटर भी मिल जाएगा. आई होप इट इज क्लियर नाउ. या एक और प्रॉब्लम क्या आता है, अगर आप चाहो अभी आप मेरे को ये भी बोल सकते हो, सर क्या मैं इस टाइमर को काउंटर की तरह वर्क करा सकता हूं, क्या हो सकता है ना सवाल, मतलब कैन आई हैव 3 काउंटर्स देन, कैन आई हैव 3 काउंटर्स, व्हाट इज योर आंसर, कैन समवन टेल मी? नो, कैन वी डू दैट? C/T bar एक ही है, यानी वो क्या करेगा, या तो टाइमर 1 को काउंटर बना देगा, वो तो हमने बना दिया काउंटर, टाइमर 0 को भी काउंटर बना सकता है ना. अगर मैंने टाइमर 0 को भी काउंटर बना दिया, लेट्स से मैंने टाइमर 0 को भी काउंटर बना दिया, तो TL0 और TH0 दोनों काउंटर होगा, या दोनों एक काउंटर होगा एक टाइमर होगा? दोनों काउंटर हो गया तो टोटल काउंटर कितने हो जाएंगे? 3 काउंटर. सो Are you supposed to have 3 counters? 3 counter chalega aapko? No sir. Lekin agar aapko pin diagram yaad hoga, pin diagram mein kitne counter ka input kahan se aata hai? Where does the input come from the counter? External clock ya internal clock? External. External clock, yani do pin hai dedicated, which is port 3.4 and port 3.5. yani aap kitna counter max rakh sakte ho? दो ही पिन है तो दो ही काउंटर आप रख सकते हो. तो ऑलरेडी एक टाइमर 1 बन चुका है काउंटर. अब टाइमर 0 में से आप TL0 को ही आप टाइमर बना सकते हो या काउंटर बना सकते हो. TL0 विल ऑलवेज एक्ट एज अ टाइमर. इज दिस पॉइंट क्लियर? क्यों है ये लिमिटेशन? बिकॉज इन पिन डायग्राम वी हैव गॉट ओनली 2 पिन्स. ये 2 पिन होने की वजह से एट मैक्स आई कैन हैव 2 काउंटर्स, उससे ज्यादा मेरे पास काउंटर नहीं हो सकता. ओके, एट मैक्स आई कैन हैव 3 काउंटर्स, 2 counters, because I've got only 2 pins as the external clock pins. So इसकी वजह से मैं दो ही counter बना सकता हूँ. एक already by default मैंने timer 1 को counter बना दिया है. अब या तो TL0 में से या TH0 में से किसी एक को मैं बना सकता हूँ. The default one is a TL0, so TL0 will be acting as a counter pin. I think I'm just एक second मैं confirm कर लेता हूँ. TL0 and TH1 second. Just a second. Haan, so TL0 jo hai aapka, it will be either acting as a
एक सेकेंड, मैं क्या करता हूँ ज्यादा क्लैरिटी से बता देता हूँ एक बार फिर से। टाइमर वन है मेरे पास, कितना टाइम हो रहा है कोई बता सकता है? टाइम 53। ओके, सो टाइमर वन है मेरे पास, टाइमर जीरो है। टाइमर वन के अंदर दो फर्दर क्लासिफिकेशन है। ओके, वन इज कॉल्ड एज अ TH0, अदर इज कॉल्ड एज अ TL0। ओके, टाइमर वन कैन एक्ट एज अ काउंटर और टाइमर, ये काउंटर की तरह भी काम कर सकता है, ये टाइमर की तरह भी काम कर सकता है। ओके, लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोड थ्री ओनली, अगर हम मोड थ्री की बात करेंगे तो टाइमर वन कैसे एक्ट करेगा, काउंटर या टाइमर? हाउ इट विल बी एक्टिंग? इट विल बी जस्ट एक्टिंग एज अ काउंटर, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इन मोड थ्री। ओके, नाउ मोड टाइमर जीरो के अंदर TL0 कैन एक्ट एज अ टाइमर, इट कैन एक्ट एज अ काउंटर ऑल्सो, बट TH0 विल एक्ट एज ओनली अ टाइमर, दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट इट हैज। Is the point clear? Yes. Yeah. क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम दो ही काउंटर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल दो ही पिन है। ओके, और सिमिलरली हम दो ही टाइमर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही ओवरफ्लो फ्लैग है। Is this point clear? So either you can have two counters, one timer, or you can have two timer or one counter. You cannot have all the three timers or all the three counters. Is the point clear? Yes. So who is a confirm counter? Confirm counter कौन है? Timer one. Timer one has to be confirm counter. Who is the confirm timer? TL0. TL0. And who can be act as a timer or a counter? TL0. I hope this point is clear now. Is it clear? Yes. Yeah. So quickly, I will go back to the slide. इस स्लाइड में विल जस्ट ट्राई टू कवर दिस स्लाइड। सो अगर आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वन सेकंड, आई डोंट नो। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, पहला जो क्लॉक पल्स आ रहा है TL0 के अंदर, दैट क्लॉक पल्स इज कमिंग फ्रॉम द इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज का अगर आपको डायग्राम याद होगा, वो इनपुट स्टेज में क्लॉक कहां से आता है? इट कम फ्रॉम द इंटरनल क्लॉक ऑल्सो, इट कम फ्रॉम द एक्सटर्नल क्लॉक ऑल्सो, विच सजेस्ट दैट TL0 विल इज एक्टिंग एज अ टाइमर और अ काउंटर और बोथ। What it is acting? समझ में आपको मैं क्या बोल रहा हूं? I'll repeat again. TL0 के अंदर, TL0 के अंदर जो इनपुट आ रहा है, जो क्लॉक आ रहा है, वो आ रहा है इनपुट स्टेज से। इनपुट स्टेज का अगर आपको डायग्राम याद होगा, जो हमने एक लॉजिकल गेट बनाया था, डायग्राम याद है आपको लॉजिकल गेट का? याद है? Yes, sir. वो जो इनपुट स्टेज से जो आपका इनपुट आया है, जो क्लॉक आया है, वो क्लॉक कहां से आ सकता है? दो जगह से आ सकता है, एक तो इंटरनल क्लॉक से आ सकता है या तो एक्सटर्नल क्लॉक से आ सकता है। वो सेलेक्ट करने के लिए वी हैव C/T bar। तो कैन वी से दैट TL0 कैन एक्ट एज अ काउंटर और टाइमर बाय दिस पर्टिकुलर थिंग? कैन वी से दैट? क्योंकि क्लॉक पल्स अगर अगर वो इंटरनल क्लॉक से आएगा तो इट विल बी एक्टिंग एज अ TL0 विल बी एक्टिंग एज अ नहीं समझ में आ रहा है? आई विल जस्ट क्विकली गो बैक टू द इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज का डायग्राम पे, हाँ ये वाला जो डायग्राम है, दिस इज योर इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज में जो क्लॉक है, दैट कैन कम फ्रॉम टू प्लेस। अगर क्लॉक इस पर्टिकुलर जगह से आ रहे, विच इज योर ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, विच इज अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, देन इट विल बी एक्टिंग एज अ टाइमर और अ काउंटर। टाइमर। इफ द क्लॉक इज कमिंग फ्रॉम द इनपुट आउटपुट पिन, अगर यहां से क्लॉक आ रहा है इनपुट आउटपुट पिन से, सो देन इट विल बी एक्टिंग एज अ काउंटर। आई विल क्विकली गो बैक टू दैट पर्टिकुलर डायग्राम। मैं उस डायग्राम पे फिर से जाता हूँ। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, द इनपुट इज कमिंग फ्रॉम द क्लॉक पल्स, क्लॉक पल्स इज कमिंग फ्रॉम द इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज में अगर वो इंटरनल क्लॉक से आएगा, सो देन TL0 विल बी एक्टिंग एज व्हाट? इफ द इनपुट इज कमिंग फ्रॉम, इफ द क्लॉक इज कमिंग फ्रॉम द इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी, वो इंटरनल क्लॉक फ्रीक्वेंसी से अगर आ रहा है, सो इट विल बी एक्टिंग एज अ टाइमर। If the clock is coming from the external pins, अगर external pin से आ रहा है, यानी P3.4 या P3.5 से अगर आ रहा है, तो इसका मतलब it will be acting as a counter. So basically, I can say by looking at this diagram, just by putting this point, clock pulse from the input stage, it says that TL0 is acting as a timer and a counter. बराबर? On getting every pulse, TL will get incremented. TL after getting incremented. It will overflow. After overflowing, it will make TF0 as 1. Is the point clear?
Is the point clear? Yes. TH0 जो है आपका ओके TH0 में जो इनपुट आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम एफ ऑसिलेशन बाय 12 इज इट द इंटरनल क्लॉक और द एक्सटर्नल क्लॉक एफ ऑसिलेशन बाय 12 इज एन इंटरनल क्लॉक और एक्सटर्नल क्लॉक इंटरनल इट इज इंटरनल क्लॉक एफ ऑसिलेशन इज नथिंग बट द क्लॉक ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर व्हिच इज 12 मेगाहर्ट्ज 12 को 12 से आप डिवाइड करते हो द फ्रीक्वेंसी दैट यू गेट इज 1 मेगाहर्ट्ज व्हिच इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट If it is a constant, will it be acting as a timer or it will be acting as a counter? Timer. It has to act as a timer. It cannot act as a counter. Barabar? Is the point clear? Is the point clear? Yes. Yeah. So what this diagram shows that by putting F oscillation by 12 over here, you can show that TH0 will act as only as a timer. And by putting the input stage or the clock pulse is coming from the input stage, you can say that TL0 can act as a counter also, it can act as a timer also. Okay. And the flag which is associated with TL0, the flag is TF0, and the flag associated with TH0 is TF1. Okay. And just because you're using TF0 and TF1, there will be no flag associated with which timer? Timer 0, timer 1. Kiske paas flag nahi hoga? Kis timer ke paas flag nahi hoga? टाइमर वन के पास फ्लैग नहीं होगा बिकॉज टाइमर वन डज नॉट हैज अ फ्लैग टाइमर वन विल बी एक्टिंग एज व्हाट टाइमर और अ काउंटर 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 इज द पॉइंट क्लियर इज दिस मोर क्लियर यस सर या सो दिस इज द डायग्राम दैट यू हैव टू ड्रॉ ये डायग्राम आपको बनाना है द पॉइंट दैट यू हैव टू राइट इज टाइमर 0 इज यूज्ड एज अ टू सेपरेट 8 बिट टाइमर व्हिच इज TA0 एंड TL0 TL0 यूजेस द कंट्रोल बिट व्हिच इज TR0 and TF0 ye do control bit use karega of timer 0 and it can work as a timer or a counter TH0 jo hai wo TL0 jo hai wo timer aur counter ki tarah dono ki tarah work karega TH0 uses the control bit TR1 and TF1 of timer 1 okay it can work only as a timer it cannot work as a counter okay timer 1 can be in mode 1 mode 0 mode 2 but will not generate an interrupt ye interrupt generate nahi karega okay because it does not have a ओवरफ्लो फ्लैग ओके सो बेसिकली टाइमर वन को हम काउंटर की तरह यूज करेंगे एंड वो जनरली ये जो मोड है टाइमर मोड 3 दिस मोड इज जनरली यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन इज इट क्लियर इज इट क्लियर यस एनीबॉडी हैज डाउट एनीबॉडी हैज एनी डाउट टिल नाउ किसी को कुछ पूछना है ओके सो क्विक रिकैप कितना टाइम बचा है मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है सो क्विक रिकैप जस्ट क्विक रिकैप द हाउ मेनी एसएफआरस वी हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक टोटल नंबर ऑफ एसएफआर इन दिस टॉपिक इन दिस टाइप टॉपिक टाइमर टॉपिक हाउ मेनी एसएफआर वी हैव स्टडीड सिक्स व्हिच आर दोस कौन-कौन से वी हैव हमने पढ़ लिया आउट ऑफ दैट टीकॉन इज द एसएफआर व्हिच इज जनरली यूज्ड फॉर डूइंग व्हाट टीकॉन किस लिए यूज करते हैं हम लोग टाइमर कंट्रोल करने के लिए टाइमर को स्टार्ट करना है स्टॉप करना है देयर इज अ टाइमर रन बिट टाइमर ओवरफ्लो हुआ है कि नहीं देयर इज अ टाइमर ओवरफ्लो फ्लैग बिट इंटरप्ट अगर हुआ है कि नहीं उसके लिए देयर इज अ आई बिट अगर इंटरप्ट जो है दैट इज एस ट्रिगर और लेवल ट्रिगर दैट इज कंट्रोल्ड बाय टीकॉन रजिस्टर वी हैव गॉट अनदर रजिस्टर व्हिच इज कॉल्ड एज अ टीमोड रजिस्टर दैट इज व्हाट इज अ टीमोड रजिस्टर यूज्ड फॉर मोड ऑफ टाइमर Used for selecting whether you're working as a counter or you're working as a timer. Used for selecting whether you're working in which mode. Used for selecting a hardware support or a software support. Okay, so ये तीन option हैं आपके पास. So because two bits are generally reserved for the two modes, modes के लिए. So how many modes we have in total? How many modes we have in total? कितने mode हैं हमारे पास total? We have got four modes. Four modes ना? We have got four modes, which are टाइमर मोड 0 मोड 1 मोड 2 एंड मोड 3 सो हमारे पास चार मोड है स्टार्टिंग फ्रॉम मोड 0 वी हैव टिल मोड 3
ओके सो हर एक मोड में से विच इज हैज द मैक्सिमम डिले विच प्रोवाइड्स द मैक्स डिले मोड 1 मोड 1 व्हाट इज द मैक्स डिले दैट इट प्रोवाइड्स व्हाट इज द मैक्स डिले दैट इट प्रोवाइड्स मोड 1 65536 is max delay that it provides, which is the second largest delay, second largest timer after mode 1. Mode 0. It is mode 0 because this provides a delay of 8192. So that is the max delay that has been provided by timer mode 0. Okay, which is the mode that is generally used in serial communication? Serial communication में कौन सा mode आप use करोगे? Mode 3 because what is the reason? Because one of the timer will be acting as a counter, so we have got only one timer. That one timer can be utilized and can be break down into two different timers, so that is why we can use mode 3. Okay, which timer has a feature called as auto reload? Mode 2. Okay, so mode 2 has a delay of how much? 256. It is 256 because it uses only one of the register, one of the SFR as the timer, and that is either TL0 or TL1. Okay, and the other one is kept as a memory element which can be taken as a reload for reloading. So is all the mode clear to you? Sare mode clear ho gaye? Is this mode clear to you? Yeah. So if you have any doubt, please feel free to ask. If you don't have any doubt, you can leave. Okay. So I'll quickly stop the presentation. जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको कुछ पूछना है